सर आज तो बस वो माइक दिख रहा है ना, मतलब एकदम ऐसे लुक आ रहा है। हाँ ये साइड से ऐसे आ गया ना, इसको कहीं हाँ और से पीछे से बैक साइड से लेके आता हूँ। पीछे ऐसे वाली बताया फोटो। करो ना। हाँ अभी सही हाँ है। यस यस अब सर स्मार्ट लग रहे हो, अब मस्त मस्त फोटो आएंगे। अभी ठीक है। ओके थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? यस सर। सॉल्यूशन नंबर 3। आवाज प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर, बोलो यस और नो। यस सर। सब प्रॉपर आ रहा है। देखो बेटा, इसमें अगर वो कंसेप्ट अप्लाई करोगे ना कि ये टाइप ऑफ फिल्टर क्या है, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा, और इसीलिए इस न्यूमेरिकल को दिया गया है। देखो ध्यान से, ये सही है ऐसा? देखो अगर जो हम सर्किट बना रहे हैं, क्या आप एग्री कर रहे हो कि सर्किट सही है? मतलब पूरा बनने के बाद ना, देखिएगा पूरा बनने के बाद आप एग्री करोगे हाँ सर सर्किट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बॉलीवुड में किसी को कुछ बोलता हूं और किसी की फीलिंग अगर इफेक्ट हो जा रही है तो क्या करूं बताओ? उसका वो पर्सनल अपने फीलिंग फीलिंग को को कागज पे लिखो और उसको डस्टबिन में डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गुड। ओके चलो देखो अभी ये सही है क्या बेटा इतना? देखो सर। मेरे को ये बताओ, ये जो एम्पलीफायर है ना, ये वाला, मतलब जस्ट हैव अ लुक एट लाइक दिस, ये क्या है, कैसा एम्पलीफायर है बताओ? कैसा एम्पलीफायर है वो? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। यहां तक मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इनपुट यहां पे मैं वी एक्स ले लेता हूं, इनपुट यहां पे कितना लिया? वी एक्स। सो व्हाट इज वी जीरो इज इक्वल टू? अरे 1 प्लस आर एफ बाई आर दिखाई दिया क्या? यस सर। बताओ जल्दी, यस सर। क्या वो 1 प्लस आर एफ बाई आर नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा यही है ना आर एफ, जी। और ये आर है, बट ये रेजिस्टेंस कैसे बनाऊं मैं इसको? ऐसे मल्टीप्लाई करके 1/C2। तो देखो 1 प्लस आर एफ हो गया, डिवाइड बाई अगेन आर, तो ये कितना हो जाएगा? देखो लिखा है क्या 1 प्लस आर एफ बाई आर? एग्री कर रहे हो? यस सर। यस सर। इट इज रिटन लाइक 1 प्लस आर एफ बाई आर इन टू इनपुट कितना है? वी एक्स ऑफ एस, बोलो यस और नो। यस सर। यस अब सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो वी नॉट इज इक्वल टू, ए एस से एस कैंसल आउट हुआ बेटा, ये C1 ऊपर चला गया, कितना बच गया? 1 + C1/C2। इन टू वॉट? ऑल आर इन लैपलास, यस और नो? यस सर। यस सर। तो बेटा ये देखो, ये गेन है, इंटरेस्टिंग बात, ये क्या है, ये क्या है बताओ, इज इट अ गेन? यस सर। गुड। तो ये बोल सकते हो सर ये वही सर्किट है, लो ये हाई पास फिल्टर है क्या? यस सर। यस सर। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं है। देखो बेटा मैंने सब बता रखा है, ये क्या है, ये देखो, ये इसको, इज इट द हाई पास फिल्टर? यस सर। एंड व्हाट इज दिस सर्किट? इज दिस सर्किट प्रोवाइडिंग यू द गेन? यस सर। एंड इंटरेस्टिंग बात, मेरे को बहुत मजा आ जाना चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं। याद रखना मैं अभी आके ही, अभी जस्ट मैं 10:05 को ऑफिस पहुंचा हूं, और 10:05 से लेकर 10:20 तक 15 मिनट्स हुए ना, हाँ 15 मिनट्स में पढ़ रहा था, आप बिलीव नहीं कर सकते, चाय भी पी रहा था और पढ़ भी रहा था। उस 15 मिनट्स में मैंने इफेक्टिवली 10 मिनट्स पढ़ाई भी किया और बात भी कर रहा था। आप सोचो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोला था ना। हाँ कर सकते हो आप हाँ तो गुलशन कुछ भी कर सर। सकता हूँ, तो ये क्या है फिर? ये सर जो कैपेसिटेंस है ना वो गेन प्रोवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस ही गेन प्रोवाइड करेगा। रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा, लेट एक्सपेक्ट कि C1 और C2 में C1 बड़ा है, यस सर। तो ये एटलीस्ट ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है ना, और 1 से बड़ी क्वांटिटी को हम गेन बोलते हैं, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या सर्किट है? इट इज अ हाई पास फिल्टर विद गेन। सो इट इज वॉट बेटा? हाई पास एक्टिव फिल्टर। एचपीएफ। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जानते हो,
इसी से निकलेगा, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अगर एग्जाम पे दिया होता वैल्यू तो मैं आराम से कर सकता था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस, तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें वो मत करना बेटा। इसलिए मैंने दोनों अप्रोचेस बताए। सर मैंने लो फ्रीक्वेंसी लिया, कैपेसिटर क्या हो गया? ओपन। कंपैरेटर बन जाएगा फिर? सर उसमें कंपैरेटर बन रहा है ना, इनवैलिड हो रहा है। तो बेटा आप, अब आपको सबसे अच्छी बात तो जानने से पहले सुन तो लो, क्या मैंने आपको एक ही अप्रोच बताया कि मल्टीपल अप्रोचेस? मल्टीपल बताए सर। देखो क्या मैं, अच्छा ये बोल दो कि सर क्वेश्चन देख के आपने आपने अपना अप्रोच बदला है? बदला अप्रोच? नहीं बदला, कहां बदला। और अच्छा एक और चीज, मैंने हमेशा एक पॉइंट बोलता हूं कि जो मैं फर्स्ट डे पढ़ाऊंगा वही लास्ट डे पढ़ाऊंगा। व्हाट इज वी एक्स ऑफ एस यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल? वी वी इन लिख देता हूं मैं, वी इन ऑफ एस इनटू, इज इट आरसीएस बाय 1 प्लस आरसीएस? यस सर। इस वी एक्स को उठाओ यहां पे पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन। यस सर। ऐसा मैं 3 या 4 बार कर चुका हूं। पहले लो पास पढ़ाया था सेम सर्किट, हाई पास पढ़ाया था सेम सर्किट, ऑल पास फिल्टर में सेम डेरिवेशन, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं पता है? ओवरऑल कंक्लूजन अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर ओपैम्प में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई कर करके हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लो पास है कि फर्स्ट ऑर्डर हाई पास है। क्लियर इतना? इसमें जो सी1 सी2 का रेशियो है बेटा वो गेन प्रोवाइड कर रहा है। चलो और बताओ, और कोई न्यूमेरिकल जो आपने ट्राई किया था जो नहीं बना आपसे? बताओ, ये तो बन गया ना 13th? यस सर। 13th बन गया? 13 बन गया। ये एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, मोनालिशा साहू, 11th न्यूमेरिकल। 11th न्यूमेरिकल बेटा क्लैंपर है। 11th तो आपसे बन जाना चाहिए था क्लैंपर। 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक बार फिर ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं 11th न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्लैंपर पढ़िए, कैपेसिटर और डायोड अगर लगा है किसी सर्किट में तो क्या एम्फेसाइज कर रहा है वो बताइए? क्लैंपर सर्किट। हाँ, तो क्लैंपर सर्किट। 13 बन गया, बट आंसर बता दीजिए। लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर क्या हो रहा है? ओपन। 13th न्यूमेरिकल को देखो एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन लो फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर ओपन हो रहा है सर, तो आउटपुट नहीं आया। व्हाट इज हैपनिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी? शॉर्ट हो जाएगा कैपेसिटर, तो आउटपुट आ रहा है उस केस में। तो सर्किट क्या है? हाई पास फिल्टर। तो 13 का आंसर क्या है सर? ये तो कल भी डिस्कस। हाँ तो वही है ना, कुछ लोग अकल से बैल, दिमाग से गधा और बुद्धि से पैदल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोपा आदमी। पूरा जोई खोल दिया आपने। क्या हुआ? पूरा जोई खोल दिया, सारे जानवर के नाम ले दिए। अबे साला जो बता चुका उसको भी पूछते रहते हो तुम लोग। अच्छा चलो आगे चले क्या बेटा? Yes, sir. मैं आपको ना हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कौन है ये लड़का? इंडियन आर्मी का देख रहा है सर। क्या हुआ? इंडियन आर्मी का लगता है, रेस के बारे में बता रहा है। दो दो वीडियो एक साथ देख रहे हो क्या? याद है सर्किट कल किया था? Yes, sir. अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और वो होमवर्क है आपका, बट कैसे सॉल्व करोगे उसको देखो प्लीज। दिस इज इनपुट, दिस इज माय आउटपुट। इसको ले लो R1, ये C1 है, ये R2 है और ये C2 है। कहीं पे आपको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट नजर आया? क्या ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट? अब लिसन केयरफुली एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। ये वाला वोल्टेज कितना है? V0 है क्या? यस सर। व्हाट इज दिस वोल्टेज नाउ?
What is this voltage now from virtual ground concept? V0. And if you are having both the feedback, one is feedback like this, negative feedback, one is feedback like this, positive feedback. Once you are having both the feedback, then? VGC. Valid. V0, what is this? V0. What is this potential? It's a principal node. Let it be? Vx. क्या ट्रांसफर फंक्शन निकाल लोगे? ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे? मैं बोला बेटा देखो मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा, बस आपको रीअरेंज करना पड़ेगा. सर कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक बार नोडल अप्लाई कर रहा हूँ. कहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ मैं? नोडल एट फर्स्ट vx minus vi by R1 plus Vx, नीचे देखो माइनस वी नोड बाई वन अपॉन सी वन एस प्लस Vx माइनस इधर देखो वी नोड डिवाइड बाई आर टू इक्वल टू जीरो. बस खत्म. यस सर. अब आप अप्लाई कर रहे हो सी नोडल एट V0. जो लास्ट टाइम पे भी जो स्टूडेंट मेरे साथ जनवरी में भी जो पढ़ा होगा ना, वो भी सोच रहा होगा इस साले ने किया क्या है लॉकडाउन पे, इतना सारा क्या कर रहा है ना, वो भी सोच ही रहा होगा अब तक. नोडल एट V0, V0 पे नोडल अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे? V0 माइनस इधर देखो बेटा ग्राउंड है ये, डिवाइड बाई इम्पिडेंस है ना. मैं क्विकली लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली बिना बताए भी लिख सकता हूँ क्योंकि नोडल में तो हम PhD कर चुके हैं. प्लस उधर देखो लेफ्ट साइड पे वी नॉट माइनस वी एक्स बाई आर टू खत्म. यहां से करना क्या पता है? ये इस वाले एक्सप्रेशन से, इक्वेशन वन से वी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. यस सर. और कहां पे पुट करोगे? इक्वेशन टू पे. ऐसे करके क्या निकल जाएगा? V0 और VI में रेशियो. ये आपका होमवर्क रहेगा. कैन यू प्रोसीड फर्दर? नॉट राइट नाउ बट लेटर ऑन और एल्स ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, नो प्रॉब्लम. यू कैन सॉल्व इट इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट इज आउटपुट इन लैपलास बाय इनपुट इन लैपलास? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर. ऐसे लिखो वहां पे आगे. इज द ट्रांसफर फंक्शन जो हम निकालने वाले, इज द ट्रांसफर फंक्शन किसका है? सेकेंड ऑर्डर है क्या? यस सर. सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ LPF इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर LPF. हो गया अभी. नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर LPF. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर LPF. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर LPF. उसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो ऐसे आएगा बेटा. ये क्लियर है इतना? बोलो ना, रिप्लाई क्यों लेट कर रहे हो? सर बिल्कुल क्लियर है. बिल्कुल क्लियर है? नहीं है. एस तो जानते हो लैपलास ट्रांसफॉर्म है. व्हाट इज जीटा? डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या था? अल्फा ओमेगा एन था. ये क्या है? डैम्पिंग फैक्टर बोले. यस सर. यस सर.
और मैंने अल्फा पढ़ाया था बेटा, अल्फा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन था, कुछ याद करो आप, सेकंड ऑर्डर पढ़ाया था मैंने, सीरीज आरएलसी पैरेलल आरएलसी, और दिस इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मेट में आएगा आपका, बोलो यस और नो। अरे ओमेगा नॉट नहीं है इसको, अगर यहाँ पे ओमेगा एन लिख रहे हो तो यहाँ पे भी ओमेगा एन लिखो, बताओ यस और नो। एंड डू रिमेंबर अ पॉइंट, क्वालिटी फैक्टर याद है, क्वालिटी फैक्टर और जीटा में ये रिलेशनशिप है, इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूं, बस आप लिख लो, क्वालिटी फैक्टर क्यू, जीटा इज द डैम्पिंग फैक्टर, इसमें रिलेशनशिप ये है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूं मुझे बताओ, मैं इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूं, इतना सारा मतलब आप पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में कंपेयर कर लो कि कोई फिजिक्स के स्टूडेंट को इतना कोई पढ़ाता है क्या, इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? तो एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी कॉपी से आएगा, इसीलिए हो गया इतना। एक ट्रिक देखें हम, वॉट इज टी ऑफ जीरो पुटिंग एस इज इक्वल टू जीरो, वॉट इज टी ऑफ जीरो पुटिंग एस इक्वल टू जीरो, इज इट लो फ्रीक्वेंसी गेन? Yes, sir. क्योंकि बेटा ओमेगा को जीरो पुट करने का मतलब एस को जीरो ना, बिकॉज एस का क्या मतलब होता है बेटा, एस इक्वल टू जी ओमेगा, तो एस को जीरो कब पुट कर पाओगे, जब ओमेगा जीरो होगा, याद है कल बोला था मैंने, अगर ओमेगा जीरो है तो आइडियली लो फ्रीक्वेंसी, सो लो फ्रीक्वेंसी में गेन आया, ओके गुड, अच्छी बात है। चलो अभी हम चेक करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी में गेन कितना आ रहा है, इनफाइनाइट पुट करो, ओमेगा को इनफाइनाइट पुट करोगे तो एस भी तो इनफाइनाइट ही होगा, कितना आ रहा है, ये सही है इतना, बोलो यस और नो। यस सर। तो कैसा फिल्टर है ये? लो पास फिल्टर। हो गया प्रूफ, लो फ्रीक्वेंसी में गेन फाइनाइट है, आउटपुट बाय इनपुट फाइनाइट है, और हाई फ्रीक्वेंसी में जीरो है, तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। डल टाइप से क्यों रिप्लाई कर रहे हो सर? बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा है। अबे मस्त लग रहा है तो एनर्जी आनी चाहिए ना, देखो ना इतना अच्छे से कौन पढ़ता है यार। ओनली गुलशन सर। नहीं अब बार बार तारीफ क्यों कर रहे हैं? सर मैं बोलता हूँ तो आप मेरे को ऐसे बोल देते हैं। पहले इधर देखो, ये जीरो मत बोलना सर, आप तो कल ओमेगा को जीरो पुट कर रहे थे, अरे एक ही बात है, ओमेगा को जीरो पुट करो, एस को जीरो पुट करो, कल बोला था ना लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में चेक करो, तो क्या समझ में आ गया आपको लो पास फिल्टर? यस सर। ठीक है, और यार 25th न्यूमेरिकल तो बन गया होगा आपसे, 25th न्यूमेरिकल? यस सर बन गया। ओके तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, फिल्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, बस आप प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करना है आपको, जो आपके नेट एग्जाम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, मैं चाहता हूं सबको वर्कबुक मिल गया क्या? यस सर। यस सर। तो बेटा वर्कबुक में जो फिल्टर के न्यूमेरिकल है ना, जहां पे लिखा है ये फिल्टर है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आप सारे फिल्टर को एक बार ट्राई कर सकते हो? देखो आप ट्राई करो, आपसे बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस किसका बूस्ट अप होगा? हम लोग। और अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं ही, लेकिन नहीं बनेगा ना तो करना क्या पता, एक चीज करना है आपको, आप जब भी सॉल्व करो उस रफ पेपर को अपने पास रखो, या तो आप अपने फेयर नोट्स में सॉल्व करो, क्योंकि जिस दिन मैं सॉल्व करूंगा आपको अपनी गलतियां नजर आ जाएंगी, जिस इंसान को अपनी गलतियां नजर नहीं आती वो इंप्रूव कैसे करेगा लाइफ में, तो इस बात का ध्यान रखोगे कि नहीं? यस सर। कैसी बात बोली हमने, कैसी बातें कही हमने, बताओ ना। बहुत अच्छी वाली। नहीं हमने उचित बात कही है बिल्कुल। ओके बताओ। यस सर। 27th न्यूमेरिकल किया है क्या हमने, आप बता सकते हो 27th कर लिया हमने? यस सर। ठीक है, 30th आप कर सकते हो, आपने करवा दिया ये भी। ठीक है, 30th तो डायरेक्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखो बेटा हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिससे
अब मैं बोलता हूँ सर टॉपिक क्या स्टार्ट करोगे, तो फोर्थ वाला न्यूमरिकल देख सकते हो आप, जस्ट देखो आप, कैन यू हैव अ लुक एट द फोर्थ न्यूमरिकल। अच्छा, नेटवर्क थ्योरी में मैंने एक टॉपिक छुड़वाया था आपको, याद करो क्या? साइनसोइडल। वेरी गुड, और उसी का नाम क्या है? एसी एनालिसिस। क्या बोल रहा हूँ मैं? एसी एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस। अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? निकोला टेस्ला। हाँ, निकोला टेस्ला इज परफेक्ट आंसर। समझ में आया? और डीसी का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? वोल्टा, वो एडिसन। एडिसन, एसी एनालिसिस, ठीक है। इसमें ना बेटा एसी एनालिसिस में ना हम ट्राई करते हैं, हम चीजों को मैथमेटिकली बात करें। ये स्मॉल वीटी है क्या? यस सर। तो वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये स्मॉल वी का मतलब मैंने बताया था कि प्योरली एसी सिग्नल। अरे बोलो ना सालो। यस सर, यस सर। हाँ, तो सालो इज अ वर्ड डेडिकेटेड फॉर ऑल द बॉयज। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेस लाइक दिस। व्हाट इज वीएम का नाम? एम्पलीट्यूड ऑफ साइनसॉइड की स्पेलिंग क्या है? SINUSOID, सही है क्या? रट रहा था मैं नीचे बैठ के अभी ऑफिस में, साइनसॉइड की स्पेलिंग क्या ज्यादा याद ही नहीं आ रहा था मेरे को। ओके, और फिर उसके बाद ऐसा बेइज्जती फील होता है बिकॉज पापा को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। ओके, तो अब हम सीरियसली पढ़ाई करते हैं। व्हाट इज वीएम बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ साइन। साइन तो हम जानते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ओमेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। गधो सालो, फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी है? कितने कितने गंदे लोग हो आप, कितने गंदे लोग हो। क्या ये फ्रीक्वेंसी है? अच्छा वाह, तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हो? ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट इज थीटा? फेज। फेज, यस और नो? यस सर। गलत नहीं बोलोगे, बता दियो, इतना सारा पढ़ा रहा हूं मैं। व्हाट इज ओमेगा टी? आर्गुमेंट। आर्ग्यू, पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो ना कि सामने वालों को लगे भाई कितना आता है इसको। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनसॉइड, ठीक है इतना। प्लॉटिंग तो हम जानते हैं, इसमें कोई बात जरूरत ही नहीं जानने का आपको। ओके, अभी आप बेसिक चीज तो मेरे को बताओ, मैं बेसिक चीज के बारे में बात करूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई रेज टू द पावर ऑफ जे थीटा प्लस माइनस लिख दूं? आइलर रिप्रेजेंटेशन, मैं तो यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलता हूँ, आप लोग आइलर बोलो। हाँ बोलो, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका? cos j थीटा। cos j थीटा, वाह, cos j थीटा, मजे, बहुत मजे। cos थीटा प्लस माइनस ऑफ j sin थीटा। sin थीटा, अरे हाँ ना, यस सर, हाँ ना, बोलना पड़ेगा, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रियल part of e raised to the power of j theta? cos theta. And similarly, ये मत सोचना कि ये तो आता है अपने को, लगता शुरू शुरू में वैसे ही है, आधे घंटे के लिए लगे रहा होगा, अरे ये तो बहुत सिंपल है, आ रहा करके अभी देखना, मैं कुछ कुछ करूंगा इसमें, और कुछ कुछ करूंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा पेशेंस मेरे को चाहिए। ऐसा मत सोचना कि ये तो आता है, क्या बात है ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ टू द पावर ऑफ जे थीटा बताओ। साइन थीटा, जे को हटाने के बाद जो बच जाता है वो। नेक्स्ट वन, वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स एंड यू आर फैमिलियर विद इट, आई एम जस्ट पुटिंग अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, कीपिंग यूर माइंड टू गेट अ ब्रश ऑन इट। ई रेज़ टू द पावर ऑफ जे थीटा का चलो मैग्नीट्यूड बताओ। वन।
फेज ऑफ ई रेस टू द पावर ऑफ जे थीटा बताओ, ऐसे लिख दिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ पता, देखो ध्यान से एक बार, फेज ऑफ मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर सकता हूँ ऐसे किया जानबूझ के कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। अब बताओ फेज कितना है? माइनस थीटा। जे को छोड़कर, याद रखोगे जे को छोड़कर जो भी होगा वो क्या होगा? फेज। अब फेज कितना आ गया? माइनस थीटा। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूंगा तो भी फेज कितना आएगा? अच्छा सॉरी, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वन ही आएगा। ओके, तो ये सब बेसिक्स है, एग्री करते हो? यस सर। हाँ ओके, थोड़ा आगे चले। अरे बोलो ना। यस सर। बहुत सारा इंटरेस्ट आना चाहिए अपने को, बहुत सारा इंटरेस्ट। ये है, इमेजिन करो साइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील बना रहा हूं मैं। बट ये साइकिल का व्हील है, बट हमारे लिए तो व्हील नहीं है वो, हम बोल सकते हैं क्या कॉस और साइन वेव फॉर्म। इसका रेडियस कितना आ रहा है? आर नहीं लूंगा मैं इसके रेडियस को। एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा, अभी तो बताया था? वीएम। वीएम, गुड। नेक्स्ट सर, और क्या बताना चाहते हो? अभी देखते रहिएगा बस, मेरे को पेशेंस लेवल गुड लेवल पे चाहिए पेशेंस। ये जो है ये वाला, ये फेज है क्या? थीटा, सही है? ये एंगल है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम दैट वन वर्टिकल एक्सिस, 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूं। और एक और चीज ले रहा हूं मैं, ये ऐसे कोई टाइम है बोल रहा हूं, टाइम टी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? कलर थोड़ा चेंज कर लो ना। कलर वा ऐसे कर लेता हूं मैं, ये कोई टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में व्हील आगे बढ़ते जाएगा। यस सर। ऐसे दिस इज, नाम देखो, साइनर सर्कल रोटेटिंग, साइनर लिखा हुआ है, परफेक्ट नाम, स्पेलिंग भी सही है, रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज बोलो या काउंटर क्लॉकवाइज बोलो? सेम ही बात है, दोनों बात सेम है, काउंटर क्लॉक वाइज। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? इज इट वीएम? यस सर। यस सर। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा वो ये है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कितना एंगल है वहां पे? 90 डिग्री है वहां पे एंगल। yes, ये एंगल कितना होगा? 90। अब मैं बता रहा हूं, मैं एक एम्पलीट्यूड और टाइम एक्सिस भी बना रहा हूं साथ साथ। क्या बना रहा हूं? एम्पलीट्यूड एंड टाइम एक्सिस। मैं बताऊं आपको, जब आप पीएचडी करोगे ना किसी आईटी में या पोस्ट डॉक भी करोगे ना, उसकी औकात नहीं कि मेरे साथ पढ़ा दे नेटवर्क थ्योरी, सही है? इस बात का केयर कर लेना बेटा, आईसी बैंगलोर के प्रोफेसर लोग से फुल कंपटीशन है मेरा, पढ़ा के तो दिखाओ एक बार फिर देखेंगे। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ी इंक्लिनेशन के बारे में बात करूं, चेक करो बेटा, मैं देखो इंक्लिनेशन को ना ऐसे बना रहा हूं आपके लिए, ये देखो ये सही है? तो वहां से स्टार्ट होगा, मैं बोला दूसरा वाला पॉइंट यहां से है तो थोड़ा आगे चले जाओगे, तीसरा वाला पॉइंट यहां से, थोड़ा टाइम तो बढ़ते जाएगा ना भाई, धीरे धीरे टाइम क्या होगा? इंक्रीज ऐसे जा रहा है, यहां से भी ऐसे जा रहा है, लेट्स एक्सपेक्ट। तो अगर लोकस बनाओगे तो कैसे बनेगा, कुछ आइडिया लगा? अब ये ऐसा लोकस बनेगा बेटा उसका, अगर मैं एक एक पॉइंट को प्लॉट करने जाऊंगा तो ये उसका लोकस बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। अब यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं बताया, यहाँ पे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, थोड़ा टाइम, अभी तो नॉन यूनिफॉर्म टाइप से बना दिया ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे करके, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
क्या जनरेट करवा दिया मैंने, कॉस वेवफॉर्म जनरेट किया है क्या? यस सर। तो अभी इसका भी तो कुछ नाम होगा, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो दिस इज प्रोजेक्शन, और ये जानते हो प्रोजेक्शन वाला वर्ड प्रोजेक्टाइल से आया है। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे को तो 11th 12th खत्म हो चुका मेरा। प्रोजेक्शन ऑफ साइनर सर्कल, साइनर सर्कल ऑन रियल एक्सिस, बोल दूं रियल एक्सिस, बट रियल एक्सिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इज दैट रियल एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? यस सर। यस सर। तो क्या जनरेट किया आप लोगों ने बेटा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जनरेट किया, और इस वेव फॉर्म का नाम क्या है? कॉस ऑफ। अच्छा, ये वीएम भी तो होगा है ना, वीएम कॉस, देखो वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस, अरे यार, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, अगर फेज शिफ्ट हुआ तो, ठीक है, अगर फेज शिफ्ट हुआ तो कॉस ऑफ थीटा। एक और चीज है ना, एक चीज और बताना है, इसको देख लो, ये टाइम टी नॉट पे ऐसा आ रहा है, सम प्रोजेक्शन इज लाइक दिस यहाँ पे, इसलिए उसको अलग कलर के पेन से मैंने हाईलाइट किया। क्या मजा आ रहा है आपको? आपको क्या लगा था साइन और कॉस के सिवा कुछ नहीं आएगा करके? ठीक है, अभी अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर ले क्या? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर ले। हर्षित खंडेलवाल, थैंक यू बेटा, मेरे को आप बताओगे, मैं बता दे रहा हूं, मेरा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि छूट चुका है। ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज करेंगे, नहीं यूज कर पाते हम। मेरे को यह बता दो कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, अरे बोलो ना, कॉस थीटा। नेक्स्ट वन, इसी में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा पक्का? श्योर। यस सर। ऑल साइन 10 cos 90 प्लस थीटा चेंज होना चाहिए, तो हो गया चेंज, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? यस सर। 90 माइनस थीटा। अच्छा ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान लो, ठीक। हाँ यार, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मेरे को 180 दिमाग में चलने लगा था, कुछ भी, चलो ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसको देखो, ये साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है ना, क्या आप इसको साइन ऑफ थीटा प्लस 90 कर सकते हो? Sure. लेकिन अगर yes, इसमें sir. करोगे, इसमें माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर है। हाँ, तो मैं वही थोड़ा सा बोल रहा था कि थोड़ा आपको मेरे को कॉन्फिडेंस फील कराना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं बेटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर ऐसे कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहां पे आएगा, उस माइनस को उधर भेज दो, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अरे बोलो, समझ में आया क्या? इसमें समझने का क्या है? समझने का कुछ नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मेरे को खुद नहीं आ रहा था, बट फिर मैं करा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर आप टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, पता है क्यों? जहां पे फेस कैलकुलेशन आएगा ना, वहां पे फंस जाओगे आप, इसलिए पहले ही करा दे रहा हूँ उसको। ओके, तो जनरल क्या, जनरल मैं लिख रहा हूँ, जनरल वे, और मेरे को आप हेल्प करोगे ना, मैं बता दिया क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, फिर मैं बोलूंगा बताओ बेटा कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो आप बताओगे फिर। अब अगर मैं ऐसे लिखूं इसको एक साथ, क्या बोला? एक साथ। एक साथ, तो मैं थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, बोथ आर सेम डायमेंशनली, प्लस और माइनस एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा था, वो उधर क्या था? cos ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, यस और नो? यस सर। और इधर सीधी सी बात ये है, प्लस होगा तो देखो प्लस ही आ रहा है। यस सर। बोलो ना। यस सर। मजा आना चाहिए बहुत ज्यादा, पढ़ाना वर्ल्ड का बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है, देख लेना, कुछ भी करता रहता वो।
मैं वैसे ही सोचता हूँ जैसे एक आम इंसान सोचता है, ये तो माइनस है, इधर माइनस की वजह से यहाँ क्या आया, माइनस, तो माइनस में तो माइनस हो गया. दिस इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिसको हम लोग फेज रेस्पॉन्स में यूज करने वाले, सॉरी फेज कैलकुलेशन में. हो गया? Yes, sir. अगर मैं सेम चीज को कॉस में करना चाहता हूं, इफ इन आई वॉन्ट टू डू द सेम केस विद रेस्पेक्ट टू कॉस एंगल, ये देखो अगर मैं करूं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, कितना आ गया माइनस साइन थीटा. बस बस बेटा थोड़ी देर पेशेंस रख लो, लिटरली बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पेशेंस रख लो, ये बताने के बाद ना फिर मैं बोलूंगा ये दोनों वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस बताओ ना, तो इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसीलिए मैं पहले करा दे रहा हूँ. और थोड़ा चलते हैं हम, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पक्का चेंज होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, yes, क्या जाएगा साइन थीटा, बट मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ना चेंज करना चाहिए क्योंकि ओमेगा टी माइनस करने वाले हम, तो सी इसको तो सेम लिख सकते हो, उल्टा करो इसको, कॉस ऑफ थीटा प्लस 90 इज इट सेम, यस सर. नीचे में अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलो फर्क पड़ा क्या? नहीं सर. इसमें माइनस को कॉमन निकालोगे और माइनस कॉमन निकालोगे जो बचेगा थीटा माइनस 90, तो बोलोगे ठीक है, तो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, सो अगेन दैट इज सेम एज दिस वन. नाउ इफ आई एम गोइंग टू हैव अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, तो देखो क्या बन रहा है पता है, थीटा को ओमेगा टी ले लो या थीटा ही रहने दो, मर्जी आपकी, को उसको मैंने बोल दिया बेटा चलेगा, थीटा प्लस और माइनस 90, प्लस और माइनस 90, प्लस में क्या आ रहा है माइनस, और माइनस में क्या आ रहा है प्लस, तो उल्टा तो माइनस, अच्छा साइन ओमेगा टी, ओके ठीक है, प्लस में आ रहा है प्लस, माइनस में आ रहा है माइनस, तो हम भी लिखेंगे, अच्छा सॉरी प्लस में आ रहा है माइनस, माइनस गलत बोल रहा था मैं, लेकिन फीलिंग मेरी बहुत ही साफ है, और माइनस में आ रहा है प्लस. इज इट एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? यस सर. हाँ ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, नाउ हैव अ नोट ऑफ दैट वन. बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को, जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है, और जब मैं नया नया चीज पढ़ाता हूँ और फीलिंग आती है मेरे को. ये हो गया? यस सर. अब आप क्या करोगे, लिखोगे बेटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, करो सर प्लीज एक बार लास्ट पेज दिखा दो. लास्ट पेज में क्या था ये? यही था बेटा? यस सर. हाँ इसमें डाउट है कि सिर्फ लिखना है? सर लिखना था, हो गया, थैंक यू. लिखना था कि स्क्रीनशॉट लेके दूसरे को फॉरवर्ड करना था? मेरे को ही लिखना था सर. अच्छा हम तो मजे ले रहे थे आपके, तो अभी लिख लिया? यस सर. हाँ जी, तो आगे चले जी. हाँ चलो, ओके आगे चले, और बोलो जल्दी. यस सर. ये जो रिजल्ट लिखा रहा हूं ना, मेरे को बता देना, बता दे रहा हूं. रिजल्ट आप याद रख लेना, और ये तो फिर मैं बैक साइड पे जाके रिजल्ट को यूज करूंगा. अच्छा चलो अभी आ जाओ, ऐसे करते हैं कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो, मर्जी आपकी, ये बताओ कितना आता है? कॉस थीटा. कॉस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट ऑल साइन 10 नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं आता क्या? नेगेटिव कॉस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव कॉस थीटा. अच्छा ये बताओ कॉस ऑफ
180 माइनस थीटा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोलोगे सर किसमें, ये बेटा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस ऑफ थीटा प्लस 180 बात एक ही है। यस सर। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन लोगे वो खत्म हो जाएगा, थीटा माइनस 180 भी लिख सकते हो, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो व्हाट इज कंक्लूजन, ये कंक्लूजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर, कॉस ऑफ थीटा को आप लिख सकते हो ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्लस करो माइनस करो इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, इतना जो भी है क्या है ये माइनस ऑफ कॉस माइनस ही आएगा, क्लियर? माइनस ही आएगा तो हो गया क्लियर। नाउ ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लो इसको, याद क्या करना, हो गया? Yes, sir. किसी को टफ लग रहा है तो बताना ना, ऑफिस में कंप्लेन करूंगा मैं। हाँ बोलो ना यार, कैसा था मेरा स्टेटमेंट? सर वो तो हमें ही पता है कितना टफ लगता है ये हमें। हाँ चलो अभी बताओ, अब नौटंकी नहीं। हाँ इधर देखो, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट वन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या आएगा ये प्लस साइन थीटा, उसी क्वाड्रेंट में है साइन थीटा, है ना? हाँ जी। थोड़ा चेंज कर सकते हो, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 180, मतलब मैं ओमेगा टी प्लस, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं एंगल को कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, इसीलिए मैं आगे उसको एंगल को बाद में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें अगर कॉमन ले लोगे बेटा तो क्या यहां पे माइनस आएगा? यस सर। मैं बोल रहा हूं अगर आप ऐसे करोगे साइन ऑफ थीटा माइनस 180, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, इधर माइनस आया क्या यहाँ पे? हाँ जी। यस सर। उस माइनस को उधर भेजो, भेज दिया। हाँ जी। तो कंक्लूजन बताओ, अब हम ऐसा लिखना चाहते हैं, कंक्लूजन ऐसा लिखना चाहते हैं, साइन ऑफ सर थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है सर, प्लस 180 या माइनस 180, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है क्या? दोनों में माइनस है सर, दोनों में माइनस आ रहा है, और साइन साइन में ही कन्वर्टेड है, साइन में तो प्रॉब्लम नहीं, 180 में चेंज नहीं होता, इट इज व्हाट फिक्स्ड माइनस। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब जो मैं पढ़ाया हूं ना उसको अप्लाई करेंगे। अब जिसने ध्यान से नहीं सुना, जिसको पता था, जिसको लग रहा होगा कि यार मेरा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं तो 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ, ऐसा फील है किसी को तो बताओ। हाँ 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो तो नो डाउट आप अच्छे टीचर होगे, लेकिन खुद को तो नहीं आता ना, बुक लेके पढ़ाते ना वहां पे तो। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, जितने क्लास 12th के टीचर है ना, मैं आपको बीजेटी पढ़ाऊंगा, जिस दिन बीजेटी पढ़ाऊंगा ना बोलोगे सर वाओ हमारे ज्ञान नेत्र खुल गए, क्या बोलोगे? ज्ञान नेत्र खुल गए। हाँ ज्ञान चक्षु उसको बोलते हैं हम, सर हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, अब सर अब तो मैं 12th क्लास को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है? नहीं सही है। सो You are going to write one numerical, beta. Question लिखो. Question. You need to find out the phase difference. लिखो. Question लिखो. Find the phase difference between. Find the phase difference between V1 and V2. Find the phase difference between V1 and V2. And V1 is given by minus of 10 cos of omega t plus 50 degree and V2 of t equal to 12 sine
ओमेगा टी माइनस माइनस 10 डिग्री हो गया इतना। अब पता चला मैं ऐसे क्यों पढ़ाया आपको? पढ़ गया ना पता चला मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया? V1 दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप डायरेक्टली दोनों का फेज डिफरेंस ऐसे कभी नहीं कर पाओगे कि 50 माइनस ऑफ माइनस 10 60 डिग्री का फेज आ गया, ऐसे कर दोगे क्या? नहीं, नहीं ना। अच्छा यहाँ पे माइनस है क्या बेटा? यस सर। या तो दोनों को कॉस में एक्सप्रेस करो या दोनों को साइन में एक्सप्रेस करो, बट अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो कॉस में एक्सप्रेस करो, ठीक है? ठीक है। यस सर। ये माइनस कॉस थीटा है, मैं चाहता हूँ साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दूं, है ना? साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, आप चेक करो कहाँ है एक्सप्रेशन, 90 डिग्री वाला होगा। ये देखो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? 90 डिग्री एंगल ऐड कर दोगे। प्लस करोगे तो प्लस बनेगा, माइनस करोगे तो माइनस बनेगा, ठीक है? लेट्स मूव टू दिस वन। ये 12 है, नेगेटिव साइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 12 इज 12। इसको क्या लिखूं मैं? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? प्लस साइन थीटा। और अगर हम ऐसे कर ले देखो तो एक बार कॉस ऑफ ओमेगा माइनस 10 था, ठीक है? मेरे को कॉस में चेंज करना है ना, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि मैं जिसे पढ़ाया था उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। किस में चेंज करना है? प्लस कॉस में चेंज करना है तो प्लस 98। इधर देखो बेटा, ये यहीं पे कहीं पे कंक्लूजन ड्रॉ किया था, ये दिखा सर? आपको आपका जो साइन है, आपका जो गिवन साइन है उसमें 12 पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव सही है? यस सर। पॉजिटिव के लिए यहाँ पे क्या है बेटा? नेगेटिव। तो ये देखो कॉस ऑफ ओमेगा टी में माइनस 90 करूंगा ना तब जाके वो पॉजिटिव साइन बनेगा। और ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? Yes, पिंक वाले को हटाओ, ये नेगेटिव को हटाओ। तो सर साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, और ये हमें क्लास 12 से पता है। तो इसमें कर लिया माइनस 90 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला था बेटा अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉस में एक्सप्रेस करो। अरे मेरा टी शर्ट बड़ा अच्छा यार आज, है ना? मैंने बोला भाई मेरे को चाहिए तू अभी उतार के दे, तो फिर उसका जो बड़ा भाई है बोलता भैया आप पहनोगे ना सूट नहीं करेगा क्योंकि इसके साइज क्या ये बड़ा है थोड़ा, तो मैं बोला आप मेरे को ऑर्डर कर, ठीक है? तो मेरे दिल्ली आने से पहले मेरा टी शर्ट आ गया था। अब क्या देखो अभी कपड़ों का बड़ा शौक है मेरे को। इधर देखो अभी दोनों कॉस में एक्सप्रेस हो गया क्या? नहीं, ऊपर वाला तो क्या है? ये देखो ना माइनस है क्या? यस सर। तो इसको कंपनसेट करना है। सो अभी मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ और देखता हूँ मैंने क्या क्या बताया था आपको। कॉस वाला देखना पड़ेगा, 180 वाला क्या? कॉस वाला 180 वाला माइनस है वहां पे क्या? देखो तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, दोनों में माइनस। जो भी करोगे ना बेटा इसमें आंसर नहीं बदलेगा, जिसको लेना उसको ले लो, मैं प्लस ले लू या माइनस ले लू आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो सी ये आ जाएगा माइनस को, इसमें 180 डिग्री का ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो अभी ये 10 हो गया, फिर ये अरे यार फिर ये कॉस है, ओमेगा टी है, प्लस 50 है, प्लस 180 कर ले क्या? यस सर। घर पे आपके लिए होमवर्क क्या है? माइनस 180 करके चेक करोगे आंसर, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ओवरऑल बताओ ना यार जल्दी, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? सेम। जब हमारा कंसेप्ट सेम है, मैथमेटिकल पार्ट गुड है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? सेम। वी विल बी कंपेलिंग द आंसर टू गेट अ करेक्ट वन, मतलब मजबूर कर दो आंसर को करेक्ट आने के लिए।
डायलॉग सही है, हाँ सही है, गुड। ओ अब देखो बेटा, दोनों दोनों के दोनों को देखो, कॉस में एक्सप्रेस हो गया है क्या? यस सर, यस सर। सो नाउ आई कैन राइट वी वन एज अ सिंपलीफाइड वन लाइक गुड गुड। क्या आ रहा है? टेन कॉस ओमेगा टी, वो कितना है टोटल? 8, 5, 13, 230 है क्या? यस सर, यस सर। कुछ चीजें मातृभाषा में ही ठीक लगती है। Now what is v2 of t? 12। देखो अब आप नॉर्मलाइज कर चुके हो, नॉर्मलाइज का मतलब भाई अगर दो लोग हैं तो दोनों की हाइट को सेम लेवल पे रख के ही तो मेजर करोगे ना, तो दो सिग्नल है तो दोनों को सेम लेवल पे रख के एंगल मेजर करोगे ना, बोलो सही है स्टेटमेंट? यस सर। ये कितना है? 100। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ तो अब बताओ फेज डिफरेंस कितना है? v2 आगे है, v1 आगे है, v2 आगे है? v1 आगे। v1 230 डिग्री चल रहा है जीरो के रेस्पेक्ट में, ये जीरो से पीछे चल रहा है 100 डिग्री में, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो v1 ऑफ टी इज आगे चल रहा है, आगे मतलब लीडिंग, 2-0 से लीड कर रहा है क्या? ऐसे पढ़ते नहीं थे क्या फुटबॉल मैच में? पता नहीं, मैं तो देखा नहीं कभी। टेनिस में इतने से लीड कर रहा है, इतने से लैग कर रहा है। तो v1 इज लीडिंग बाई a माइनस ये, 330 डिग्री है क्या? यस सर, यस सर। 330 डिग्री बाई, अच्छा बाई नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू v2। अच्छा बेटा ये 330 डिग्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले, अच्छा 330 डिग्री आएगा ना, बस खत्म। हाँ 330 डिग्री आगे चल रहा है, हो गया इतना? ये आंसर है हमारा। अब घर पे क्या करना है आपको? यहाँ पे माइनस लेने का। चलो अभी देख ही लेता हूं मैं, यहीं पे देख लूं। 120 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 130। ओके 130, गुड। तो 130 माइनस ये कितना आया? 30। कितना आया? 230। हाँ तो 230। एक ऐसा डिफरेंस आ गया आंसर में सर, ये ओमेगा टी माइनस 130 आएगा। हाँ तो सही बोलो ना यार, तो तुम लोग क्या करते रहते हो? माइनस 130, ओके गुड। माइनस 130 और ये 30 आ गया। यस सर, 30 आ गया। माइनस 30 आ गया। यस सर। कितना आ रहा है? माइनस 30। पक्का सच से बताओ? प्लस 30 या माइनस 30 उसमें से कटा है। माइनस ऑफ 130 प्लस ऑफ 100, तो माइनस 30 डिग्री है क्या? यस सर। ये भी उतना ही आ रहा है, देख लो। अब आप बोलोगे सर 2 पाई एंगल का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, वहां पे ही आ जाता है। इसमें 360 डिग्री का सबट्रैक्ट करो ना अपने एंगल में, इसमें से माइनस 2 पाई को माइनस करो, 360 माइनस करो, कितना आया? -30। ओके गुड, मैं बोला था ना मजबूर कर देंगे हम आंसर को आने के लिए। यस, ओके गुड। एक और क्वेश्चन, अरे एक और क्वेश्चन क्या? यस सर, यस सर। हां अब पता चला, अब अपने एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि सर जो भी पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट है अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है इतना? और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट को नहीं पूछा हुआ है, ये ना फिजिक्स वाले स्टूडेंट को पूछा हुआ है एंगल के रेस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट। चलो आगे चले, क्वेश्चन लिखो वही सेम, फाइंड द फेज एंगल बिटवीन, फाइंड द फेज एंगल बिटवीन I1t इक्वल टू माइनस 4 साइन 377 लिखा हुआ है इतना, टी प्लस 55 डिग्री एंड I2t इक्वल टू
cos, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा देख सकते हो आप, सेम, तभी कंपैरिजन कर पाओगे। तभी कंपैरिजन कर पाओगे। स्टार्ट कर सकते हो क्या एक बार? यस सर। जल्दी स्टार्ट करो। एंड जिसका भी आंसर आएगा प्लीज एक बार बताइए, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। गुड बेटा, 210। लेकिन पूरा आंसर बताया नहीं, एंगल बस बताया तूने, कौन किसका आगे है, कौन किससे पीछे है, तेरे पीछे कौन है? हाँ चल बता। I1 is leading with 210। हाँ ऐसा बताया कर। I want my student to be a perfect one। Yes sir, 210। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? Yes sir। जब तक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैं पढ़ाऊंगा तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेस्टिंग है, उसके बाद नहीं। सर ये एटीट्यूड है आपका? नहीं, मेरा हार्ड वर्क है बस। अच्छा चलो, अभी यार मैंने बोला था बेटा कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, मेरे को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बुक भी वही फॉलो किया हुआ है, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप साइनर सर्कल को देखोगे, साइनर सर्कल तो कॉस का स्टार्ट किया था ना जी, इसीलिए रेफरेंस क्या आपके पास? कॉस। कॉस को हम रेफरेंस मानते हैं, कॉस को ना हम रेफरेंस मानेंगे ठीक है। ये माइनस साइन है ना, तो मैं साइन को कॉस में तभी कन्वर्ट कर सकता हूं जब मेरे पास 90 डिग्री वाला पार्ट आ जाए। yes, क्या वहां पे माइनस साइन था क्या? यस सर। यस सर। ओके तो ये देखो, ये माइनस साइन है। माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। गुड, सो यू कैन राइट दैट एक्सप्रेशन, दिस वन एज 4, बोलो आगे, कॉस ऑफ दैट ओमेगा, ओमेगा टी लिख देता हूं मैं, प्लस 55, प्लस आ रहा था क्या, प्लस बोला था क्या मैंने? yes, प्लस 90 हो गया। ठीक है बेटा, अनवांटेड स्टेप्स मत बढ़ाओ, ये भी कॉस, ये भी कॉस, गुड कंपैरिजन, फाइन, अच्छी बात है। ये 90 और ये टोटल कितना एंगल आ रहा है? 145। और ये कितना है? सो व्हाट इज नाउ फेज डिफरेंस? पहले डिफरेंस ही बता दो। 145 प्लस 65। हाँ तो कितना आया फेज? 210। 210। 210 डिग्री। कौन किससे आगे चल रहा है? ये जीरो रेफरेंस के लेवल में 145 आगे, जीरो रेफरेंस के लेवल के पीछे माइनस 65। तो हम ऐसा बोल सकते हैं I1 इज लीडिंग। यस सर। I1 लीडिंग बाय एंगल ऑफ व्हाट? 210 डिग्री। 210 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू I2T। ये मैंने आपको बताया कि कॉस और साइन में या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डिफरेंस कैसे इवेल्युएट करने वाले, पता चला? yes, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। देखो बेटा, आपको ना कुछ भी पूछ सकता है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ना सर आप पढ़ा कौन सा टॉपिक रहे हो, बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ नहीं बता सकते आप, कोई भी नहीं। और इवन क्या मेरा टीचर भी होता ना तो बता नहीं पाता कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, और मैं पूरा बता भी देता ना ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं बता पाता। चलो बताओ कैसा लगा मेरा डायलॉग? As usual कहते ही जाए।
मैं उसको बता देता ना अगर मेरा टीचर अटेंड कर रहा है कि मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, और फिर मैं बोलता कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो भी वो गलत ही बताता। पता है टॉपिक का नाम क्या? अब गैस करो। टॉपिक इज फिल्टर एनालिसिस। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? फिल्टर एनालिसिस। हाँ, फिल्टर एनालिसिस। सर फिल्टर का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एसी, हो गया ना? और वो स्टूडेंट ही क्या जो अपने टीचर को पीछे ना छोड़े, और वो टीचर ही क्या जो स्टूडेंट का डाउट ना क्लियर कर पाए। चलो हम एक ने बोला कि हम एक वोल्टेज वेवफॉर्म लेते हैं, इट इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. And this is equal to, see the derivation. This is nothing but a five to six lines derivation, beta, nothing else. Real mein agar hum aise kare, is that cos is expecting like real values of e raised to the power of j theta? Yes, sir. Yes, sir. To ye ho jayega e raised to the power of j omega t plus minus, likhna hai to kuch bhi likho, ye bhi chalega. Ye sahi hai abhi. Batao, itna sahi hai kya? Yes, sir. अच्छा, अब इसको अलग करो, सेपरेट कर रहा हूं मैं टर्म को। ये है रियल, फिर ये आएगा वीएम, तो वीएम ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ई रेस टू द पावर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ जे थीटा डॉट ई रेस टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी, अभी भी सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है, और मैग्नीट्यूड और फेज दोनों हो जाए तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है क्या? यस सर। सही सर। इस पूरे के पूरे वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैपिटल वी या मतलब बोल्ड में भी लिख रहा हूँ, बुक्स में बोल्ड में भी लिखा हुआ है। तो व्हाट इज बोल्ड का वी गिवन बाय? जीएम ई रेस टू द पावर जे थीटा। ई रेस टू द पावर ऑफ जे थीटा। What is this capital V? Is it a vector form? Yes, sir. जो वेक्टर फॉर्म हमने लिया उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ है? नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर दिया। और इज इट द फेजर फॉर्म? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना बेटा फेजर फॉर्म, सर आप क्यों पढ़ रहे हो? फेजर फॉर्म में होता क्या पता है, एड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना काफी इजी होता है क्या? बताओ जल्दी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जैसे सपोज ये साइन और कॉस को मैं अगर ऐड करना चाहता हूं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो मैं बोला यार हमारे पास कोई सेकंड अप्रोच हो सकता है क्या? जैसे एक कॉस और एक साइन है, तो ऐड करने में हमें पूरा का पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या किया पता है, साइन और कॉस को मैं एक्सप्रेस कर दिया वेक्टर फॉर्म में, मतलब पोलार फॉर्म है ये, पोलार फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आप जानते हो ए प्लस आई बी होगा, ए माइनस आई बी होगा, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो हमें मैथ्स में आता ही है। ऐसे करके हम यही कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर अब अगेन फोकस करो, ये जो आपका फंक्शन है ना, दिस वन, दिस फंक्शन, नाउ दिस फंक्शन वी एम, वी आर ड्रॉपिंग द फ्रीक्वेंसी टर्म एंड वी आर राइटिंग इट एज वी एम इज वी एम, और ई रेज टू द पावर ऑफ जे थीटा का फेज क्या होगा, यही होगा। सही है क्या बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये वेक्टर फॉर्म है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट वन, दिस इज गिवन बाय वीएम, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस। अच्छा थीटा था क्या, कहां पे चेंज कर दिया था मैंने, ये फाई नहीं है, थीटा ही करो, पहले वाले में बस था ना, फाई कर दिया था क्या?
इसको फाई नहीं बेटा, इसको थीटा ही कर दो। ये फनी कहाँ है? नाम क्या इस बंदे का बताना एक बार। एके चला गया क्या? कहाँ है वो? ए डॉट के, कैसा नाम इसका बताना? ए डॉट के, ए डॉट के चला गया वो। वो कैसे नहीं कर रहे? कुछ लोग, मैं बताऊं एक कमेंट बताऊं? Yes, ये तो अपना शॉर्ट नेम क्यों लिखा पता है? सो दैट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ये तो बाहर से वो ज्वाइन किया था ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक शो तो हो रहा है अभी मीटिंग में। हाँ? हो रहा है अभी, वो अभी शो हो रहा है, अभी है मीटिंग में है वो। है सर मीटिंग में, ए डॉट नाम से है सर। कैपिटल ए है क्या? हाँ, कैपिटल ए डॉट कैपिटल के। ए के तू रिप्लाई कर सकता मेरे को? ए के तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। दर्जीदर तेरे यहाँ पे इतना नौटंकी हो रहा था तो म्यूट क्यों नहीं किया अपना? दर ये मतलब अनम्यूट हो गया दर ऑटोमेटिक। तू रजिस्टर्ड स्टूडेंट है? जी। देख बेटा अगली बार की गलती टॉलरेट नहीं करूंगा। जी सॉरी दर। ठीक है समझ रहा है? जी। अभी भी आ रहा है तेरे यहाँ से आवाज? अब म्यूट कर माइक, अनम्यूट करते हैं। चले आगे क्या? Yes, sir. आगे चल सकते हैं अपन। तो जो अभी बेटा ये पता है सर, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग यूजिंग फेजर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। इन फेजर रिप्रेजेंटेशन वी राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज रिजल्टेंट एंगल फेज एंड वी ड्रॉप डी आर ओ पी द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म। ये लिख सकते हो अपनी कॉपी में? इन फेजर रिप्रेजेंटेशन वी राइट दिस कॉस और साइन एज दिस वी एम एंगल थीटा बाई ड्रॉपिंग और रिमूविंग द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म लिखा इतना? वी राइट कॉस और साइन एज मैग्नीट्यूड एंगल फेज बाय रिमूविंग द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म। लिख लिया इतना? बताओ लिख लिया क्या? यस सर। अगर वैसे सेम अगर हमारे पास ये हो जाएगा कि सर वोल्टेज है बट अभी ये वी एम साइन के रेस्पेक्ट में, तो मैं अब डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं। डायरेक्टली हम इसको पोलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? साइन पीछे चलता है क्या कॉस से? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा अभी वी एम एंगल थीटा तो थीटा बट पीछे चलने वाला ये 90 डिग्री। इस इज नथिंग बट वी रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट साइन एंड कॉस वेयर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म इज ड्रॉप्ड और रिमूव। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म कहाँ है हमारे पोलर रिप्रेजेंटेशन में, है कि नहीं है? नहीं है वो। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म क्या हो गया? रिमूव। जल्दी बोलो चाहिए क्या भैया? हो गया? Yes, ठीक। आप देख लीजिएगा कि साइन और कॉस को
हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं पोलार रिप्रेजेंटेशन के रेस्पेक्ट में। आगे चलें अभी। यस सर। यस सर। मेरे को ना एक परफेक्ट टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, कॉन्सेप्ट यहां से अराइज कर रहे हैं हम। ऐसे करता हूं मैं ट्राई कर रहा हूं कि कुछ अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी आई बाई डी टी प्लस 2i इक्वल टू 6 साइन 2t। ये सही है डिफरेंशियल इक्वेशन? आपको लग रहा होगा सर आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बता रहे हो, पहले मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था याद करो। अब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब फॉर्म होता था बेटा जब डीसी इनपुट होता था। अभी इनपुट क्या है? एसी। इनपुट एसी है। अरे देखो ना ये एक्स ऑफ टी नहीं है क्या, इनपुट इधर ही तो है। अच्छा क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालना है, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। निकाल लोगे, घर जाके कर लोगे, घर में ही तो हो, क्या करोगे? अब आप ये बताओ जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लोगे तो साइन टू टी ही रहेगा कि बदल जाएगा? साइन टू टी रहेगा। अच्छा गुड, साइन टू टी ही रहेगा बट सिक्स बदलेगा, सिक्स बदलेगा कि नहीं, एम्पलीट्यूड बदलेगा या नहीं? बदलेगा। बदलेगा और इसका फेज, फेज में चेंज और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज नॉट गोइंग, अच्छा सॉरी फेज चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज। लिखो आप, इन केस ऑफ एसी इनपुट अप्लाइड टू द सर्किट, इन केस ऑफ एसी इनपुट अप्लाइड टू द सर्किट, इन केस ऑफ एसी इनपुट अप्लाइड टू द सर्किट आउटपुट इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट, आउटपुट इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट, आउटपुट इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, एम्पलीट्यूड रिमेन्स, सॉरी एम्पलीट्यूड एंड फेज मे चेंज, एम्पलीट्यूड एंड फेज मे चेंज, क्या अनचेंज होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदल सकता है या नहीं भी बदल सकता, फेज बदल सकता है या नहीं भी बदल सकता, क्लियर? अब आप बोलोगे सर थोड़ा बेटा, जिस भी स्टूडेंट के पास पेशेंस नहीं है कुछ नहीं कर सकता। आपको पता मैं पहला एग्जांपल कौन सा कराने वाला हूँ? फोर्थ एग्जांपल, मतलब फोर्थ एग्जांपल का मतलब आपके ओपैम के असाइनमेंट का फोर्थ न्यूमेरिकल, ये कराने वाला हूँ। तो उसको कराने के लिए ये सब पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ही वो हो जाएगा ना आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये है क्या। सो देखो अभी ये क्या है, इज इट अ सर्किट? यस सर। सर ये किसका सर्किट है? अरे दुनिया का कोई भी सर्किट हो सकता है। तो अब क्या आपने किसी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाला है? यस सर। ऐसा बोलोगे सर याद नहीं आ रहा है, अरे 1/1 RCS, RCS/1 RCS, 1 RCS/1 RCS, 3-4 बार तो निकाल चुके हैं। अब ट्रांसफर फंक्शन को लिखते कैसे हो? टी ऑफ एस। तो टी ऑफ एस लिखो, कभी कभार मैं ट्रांसफर फंक्शन को अगर ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना, एक ही है ठीक है। नेक्स्ट यू नो व्हाट, एस इज ऑलवेज रिप्लेस बाय बेटा जी ओमेगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाता है क्या? कुछ याद करो, 1/1 RCS, एस को जी ओमेगा लिखो तो 1/1 j ओमेगा RC, क्या वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बना? यस सर। तो बेटा आप इतना मैथमेटिक्स जानते हो कि आप मुझे पढ़ा सकते हो, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स बन गया
तो क्या मैं उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस सर। अभी तो बताया था आर एंगल थीटा रिजल्टेंट एंगल फेस, तो बात खत्म हो गई। अभी इतना सिंपल था। यहां पे मैं इनपुट क्या दे रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। वीएम साइन दे दिया, ओमेगा टी है जैसा भी है नहीं पता, ओमेगा टी उधर, तो ये हो गया प्लस थीटा, ऐसा है। यस सर। थीटा कैसा भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आए तो प्लस चलेगा, माइनस आए तो माइनस चलेगा, कुछ भी आए चलेगा। इसका जो रिजल्टेंट है देखो कितना है, इसका रिजल्टेंट आर, तो उसका रिजल्टेंट इसके एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिखाई दिया क्या? साइन की फ्रीक्वेंसी बदलेगी या नहीं बदलेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जो फेस पहले था वो तो रह गई, लेकिन अब आपका फेस क्या है, जैसा फेस आ रहा है वैसा लिखो, जो अगर प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, जैसा फेस आएगा रेस्पेक्टिवली एड और सब्ट्रैक्ट होगा। दिख रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट भी एक बार करते हैं हम। सर अगर कॉस हो गया तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा है वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी पहले से इसमें ऐसा ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, जैसा लोगे वैसे ही आएगा। तो वी एम, वी एम इज वी एम, रिजल्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो रिजल्टेंट जो आएगा ट्रांसफर फंक्शन का सर्किट का वो मल्टीप्लाई होगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, माइनस था थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या था बेटा, जो फेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था, सिस्टम जितना फेज प्रोवाइड कर रहा था उसको वैसे के वैसे ही लिख दो। समझ में आया? यस सर। अब थ्योरिटिकल पार्ट मत पढ़ो, ये मत पढ़ो कि सर आप तो लिखाते थे कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। आप क्या करो बेटा, ये एक पेज में लिखो बात खत्म, और दो तीन न्यूमेरिकल करो, और आपका फिल्टर का जो डेप्थ है, फिल्टर का डेप्थ बोल रहा हूं मैं, दुनिया में कैसा भी फिल्टर हो मैं इस अप्रोच से उसको डील कर सकता हूं। और इस अप्रोच का नाम क्या है? साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। क्लियर? और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? सर ये जो आता है ना वो एसी सर्किट के अंदर आता है, और एसी सर्किट किसके अंदर आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर साइन और कॉस, वेयर डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय ए स्क्वायर and that too a non-homogeneous differential equation. Whenever we solve any differential equations and that term consists of sine of at or cos of bt, then d square or else differential operator is replaced by a square, minus of a square. Right? Yaad aaya? Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों लिखाया हूँ? ये क्यों लिखाया हूँ मैं आपको? So that maths को electronics से relate कर पाओ. ठीक? अगर ये zero हो जाता, तो याद है बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीएफ निकालते थे। अब जब सीएफ निकालते थे तो ट्रांजिएंट पढ़ते थे, अभी क्या पढ़ रहे हम? सीएफ और पीआई दोनों दोनों निकलेगा ना? अबे बोलोगे? यस सर। दोनों निकलेगा सर, इसमें सीएफ भी निकलेगा और पीआई निकलेगा। सीएफ मैं बता चुका हूं, सीएफ इज नथिंग बट ट्रांजिएंट पार्ट। इंटरेस्टिंग, सीएफ इज नथिंग बट ट्रांजिएंट पार्ट एंड पीआई इज नथिंग बट, इफ पीआई फॉर पीआई भी तो अलग अलग फंक्शन के लिए निकालते हो ना, बट पीआई कभी साइन और कॉस के लिए निकाल के देखो या निकाला होगा तो आप क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे? दिस टर्म इज क्रिएटिंग साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। क्लियर? कैसे लिंक किया बताओ, कैसे लिंक किया मैंने हर एक कड़ी को? हाँ बताओ ना, कैसे लिंक किया मैंने सारे कड़ी को? चलो बताओ। एकदम सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस में। तो अब ना बेटा इसको देखो थोड़े देर के लिए, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम रेफरेंस न्यूमेरिकल करेंगे।
क्या करेंगे इसके बाद? रेफरेंस न्यूमेरिकल. और आपके लिए सबसे परफेक्ट रेफरेंस न्यूमेरिकल कौन सा पता है? ओपैम्प असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर व्हाट? 4. आपको पता है मेरे को आप लोग से जलन है? हाँ बोलो. क्यों सर? क्योंकि इसलिए बेटा जितना नोट्स मैंने आपको दिया मेरे पास खुद ही नहीं है वो नोट्स. आप देख सकते हो मेरे हाथ में क्या होता है पता है? ये होता है या तो फोन होता है या तो फिर आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होता है. मेरे पास कभी कुछ है क्लास में? नहीं नहीं है मेरे पास नोट्स. नहीं है यार, कोई नोट्स मांगता है ना मैं बोलता हूँ गेट लॉस्ट. ठीक है, इसीलिए आप लकी हो बेटा कि आपके पास देखो ना इतने प्रॉपर वे में देखो नोट्स है और एक स्मार्ट सा बंदा पढ़ा भी रहा है, तो इस सेंस में लकी हो. हमें जो भी पढ़ाता था खड़ूस ही दिखता था, उसके चेहरे में कभी स्माइल ही नहीं आता था. मैं बोलता था अबे क्या हो गया तेरी लाइफ में, रो क्यों रहे? टीचर को ऐसा बोलता था. अरे हाँ या ना? Yes, sir. पहले आप 15th न्यूमेरिकल को करोगे क्या बेटा? 15th न्यूमेरिकल. अरे बोलो ना. मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे. 15th न्यूमेरिकल को पूरा लिखो आप, पूरा अलोंग विथ ऑप्शन. अगर आपको नहीं सुनना है मेरी बात तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है. मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ. 15th न्यूमेरिकल को पूरा लिख सकते हो. ब्रेक अभी ब्रेक है ना आपका एक घंटे का. देखो बेटा जो स्टूडेंट मेरे को फॉलो करता है ना उसको पता है कि यार ये बोलेगा ना कुछ भी कर दूंगा. बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, एक स्टूडेंट का मैसेज आता है नाम नहीं बोलूंगा, उसने ये लिखा था सर आप जो बोलो हम वही करेंगे. ठीक है, तो अगर वैसे स्टूडेंट है ना तो मैं भी एश्योरिटी दे सकता हूँ बेटा लाइफ में कभी आप हारोगे नहीं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो. तो देखो 15th न्यूमेरिकल को मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ. हमारे पास एक सिग्नल है इनपुट में या आउटपुट में, वो किसको दे रहे हो? लीनियर सिस्टम को. लीनियर मतलब y इक्वल टू mx. स्टेबल का मतलब पोल कहां पे लाई करेगा उसका लेफ्ट साइड. टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये है जब टाइम बदल रहा है तो सिस्टम नहीं बदल रहा है, सिस्टम वही है, आज भी यही है कल भी वही परसों भी वही. क्या समझ में आया लीनियर टाइम इनवेरिएंट? यस सर. स्टेबल, स्टेबल कैसे होता है? पोल कहां आएगा? राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट हैंड साइड. लीनियर y इज इक्वल टू mx करेक्ट. यस सर. m कैन बी एनीथिंग. और टाइम इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं हो रहा टाइम. ठीक है ओके. आज जो सिस्टम है आज इंटीग्रेटर है तो इंटीग्रेटर ही रहेगा कब तक पता है? जन्म जन्म तक. उसके बाद लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट इनपुट दे रहा हूं मैं, आउटपुट पे क्या मिल रहा है पता है? ए टू एफ ऑफ ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू. तो बोल रहे कौन सा सिस्टम सही है? अगर आप ए वन दे रहे हो तो ए वन और ए टू कैन चेंज और नॉट. देखो क्या ये ए वन है? एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब ओमेगा टू इज सेम एज ओमेगा वन. और फेज मे और मे नॉट चेंज. अरे बोलो ना. यस सर. यस सर. तो ये सही है? सही है न्यूमेरिकल? यस सर. Yes, sir. मैं बस इतना चाहता हूँ ये जो एक घंटे का ब्रेक है ना बेटा इसमें ना क्या करना पता है? इस क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ आप अपने कॉपी में नोट कर लेना. क्यों? दिमाग में स्टोर नहीं कर पाओगे, एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा. और ये 15th वाला न्यूमेरिकल और ये 4th वाला न्यूमेरिकल जब आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो बहुत काम आएगा, क्योंकि डेरिवेशन तो करना नहीं आपको एग्जाम पे. तो ये नोट करके रखो आराम से, और जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे तो हम कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे? फोर्थ न्यूमेरिकल. फोर्थ वन. और जिसके पास भी थोड़ा टाइम है अगर वो फोर्थ ट्राई करेगा ना तो पता है विद इन 30 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, बट फिर भी मैं फोर्थ वाला करूंगा. तो चलो अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं. हैव पॉपकॉर्न. ठीक है तो? हाँ बेटा एक ना डाउट था. कहाँ पे? सर जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना एक असाइनमेंट का, उसमें जो z है हमारा वो लीनियर एलिमेंट है ना? कौन सा z? यस सर. हाँ z लीनियर है बेटा. ओके सर. और सर कल उसका आंसर ना b आया है.
हाँ तो आप लोग देखो ना बेटा, वीन और आईन का रेशियो निकाल के वो क्या आएगा, आप चेक करके बता दो। सर बी आ रहे हैं, तीन चार बार ट्राई कर चुकी हूँ, बी आ रहे हैं। बी आ रहा है सर। हाँ, सर इसका बी आ रहा है सर, लेकिन इसमें एक चीज है, मतलब जेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कि वो लीनियर है या नहीं, तो सर मतलब पता कैसे। अरे बेटा जेड इज नथिंग बट इम्पीडेंस फंक्शन ना, जेड इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पीडेंस फंक्शन। ओके सर। हाँ तो इम्पीडेंस हमेशा लीनियर ही होगा। यस सर। बी आएगा ठीक है। नोट करना है 15 नंबर का, क्या 15 का पूरा नोट करना है आपको अपनी कॉपी में। ओके सर ठीक है। उसके बाद अगर आप, अगर आपको टाइम मिलता है, वैसे मेरे को पता है आप लोग मोदी से भी ज्यादा बिजी हो, है ना, है ना, अभी बहुत सारा काम होगा, किसी के बच्चे को खिलाओगे, है ना, बाहर घूम के आओगे, है ना, तो ऐसे लोग का कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। आप फोर्थ वाला न्यूमेरिकल ट्राई करके रखोगे? यस सर। ओके गुड ठीक है। आपको याद रखना आपके टिफर में और आपके नेट में इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है, बट मैं कहां से स्टार्ट किया हूं पता है? बेसिक से। बिल्कुल इतना ज्यादा बेसिक कि बेसिक को खुद शर्म आ जाएगा कि ये बेसिक होता है क्या, ऐसे बोलेगा वो। ठीक चलो बेटा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। बाय 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 बाय।